सुतली कौन है ये? पता नहीं, कोई लोकल नेता लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, आपके सामने ज्यादा देर नहीं टिकने वाला है। आइए अंदर। कितना बढ़िया चित्रकारी करती हो तुम। ये देखो तो कछुआ, देखा पर्चिया सारी लापता में लगा के आओ। छिपका के आओ, तुम भी चलो ना मिश्री। हम गोद लगाएंगे और तुम नेताजी आ गए। नेताजी, अरे नेताजी आ गए भाई। अरे कौन नेताजी? आप हमेशा अपने परिवार का साथ ही घूमते हैं और क्या है? क्या है, हम थोड़े मजबूर हैं ना पिताजी। अगर हमारे साथ रहते तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, और बेटे को इसलिए साथ में लेके घूमते हैं क्योंकि अगर लेके ना घूमे तो ये प्रेरणा से मिलने चला जाता है। अरे वाह, सब काम का चल रहा है। देखिए ना, क्या क्या हमें चिंता रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग हमारे लिए कितना खर्चा करिए ना, हमारे चुनाव के लिए। कोई बात नहीं, ये सब तो आने वाले कल के लिए है। वो कहा है कि हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। हम तो यही जानते हैं आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। अरे आप चिंता मत करो लड्डू भैया, वो ससुराल दयाल सिंह आपके सामने जीत ही नहीं सकता। लेकिन चुनाव के समीकरण को तो कुंभकर्ण बना के सुला देगा। वो भी सिंह, हम भी सिंह, ठाकुरों का वोट तो हो गया ना स्विंग। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? इसीलिए हम नेता हैं और तुम चमचे। उड़ा दे साले को। उड़ा नहीं दो, बैठा दो। बैठा दो भैया? बैठा तो होगा वो अपने घर में। अरे बकलौल, चुनाव में बैठा दो। सुने हैं पर साल भी बैठ गया था वो। सरकार वो तो खड़ा होता है बैठने के लिए। अरे तो फिर खड़ा ही काय होता है? ताकि बैठ सके। है जी। वही दयाल सिंह चुनाव में खड़े होके बहुत बुद्धि का काम करे हैं। हाँ, अब हमारा नेता है तो हमारी बात होगी। हम तो इसी खुशी में लबलबा रहे थे कि लापतागंज को एक ऐसा नेता मिला है जो लापतागंज का उद्धार करेगा। बिजली, पानी, राशन, दवा दारू सबको मिलेगी। हमको भी यही लगता है। अब दयाल सिंह जैसा नेक और ईमानदार आदमी कहाँ मिलेगा। चुनाव में बैठ जाइए, हमारे समर्थन में। क्या बात करते हैं आप, हमें चिंता रहती है। 50,000 देंगे, बैठ जाइए। आप गलत समझ रहे हैं। 75,000। देखिए हम ईमानदार हैं। 1,00,000। आप हमें 1,00,000 रुपए में नहीं खरीद सकते। तो कितना में खरीद सकते हैं? पांच लाख। 5,00,000 रुपए लेंगे बैठने के। पगला गए हो का? ठीक है, अगर इसी तरह बात करनी है तो हम चलते हैं। सुतली सर, हम बात करते हैं। हाँ बोलिए। देखिए हम 5,00,000 रुपए से कम पैसे नहीं लेंगे बैठने के। देखिए दयाल सिंह जी, अब पैसे के लेन देन की राजनीति के दिन गए। अब तो भाईचारे की राजनीति का जमाना है। हम भाई हैं आपके। अच्छा पिताजी बैठिए। तो भाई के आगे चारा डालिए और भाईचारा बनाइए। लेकिन 5,00,000 किस बात का? लड़के को धंधे पे लगाना है, पिताजी को कंधे पे लगाना है, और लड़की ससुराल से लड़के भाग आई है तो उसके बैंक के अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो लड़की फिर से किसी के साथ भाग जाएगी। बड़ा भगोड़ा खानदान है आपका। चलिए 2,00,000 में डन करते हैं। 2,00,000? अरे बिरादरी के कितने वोट्स हमारे पास है वो आपको पता है? 2,50,000। पूरा लापतागंज हमारे साथ है। 3 कई विरोधी पार्टियों के ऑफर है हमें उनके समर्थन में बैठने के लिए।
दोनों ही तरफ से खा रहा है। देखिए इसी तरह आपके चमचे चपर चपर करेंगे तो चर्चा नहीं होगी। आप थक रहे हैं। चलो पिताजी रुको मत उठो। ठीक है मंजूर। नहीं नहीं हमारी बेइज्जती हुई है पिताजी रुको मत उठो। अरे सुनिए दयाल सिंह जी। नहीं नहीं हमारा इंसल्ट हुआ है पिताजी रुको मत उठो। ठीक है जाने दो। दयाल सिंह जी उठिए मंदिर सो क्यों रहे हैं। अरे अरे बजरंग बली।